बात राजधानी रायपुर की, जहां पर दैनिक छत्तीसगढ़ वर्ष अखबार ने सर्किट हाउस में उद्योग नीति को लेकर परिचर्चा आयोजित की। इस परिचर्चा में उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। परिचर्चा में शामिल हुए लोगों ने उद्योग नीति को लेकर अपनी बातें रखी। दैनिक छत्तीसगढ़ वर्ष के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी ने बताया कि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे बाजार उठ रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के लिए सरकार ने जो नई उद्योग नीति बनाई है, उसकी कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों ने प्रशंसा की। 1924 की घोषणा की है सरकार ने, उस पर एक परिचर्चा आयोजित छत्तीसगढ़ वॉच ने रखी थी। इसमें बहुत अच्छी चर्चाएं हुई औद्योगिक नीति के बारे में, और कुछ सरकार के द्वारा अभी पैकेज घोषित किए गए हैं, खासकर कोर सेक्टर और इस्पात सेक्टर के लिए। उसके बारे में चर्चाएं हुई कि हमारे प्रदेश में औद्योगिकरण कैसे होगा। बाजार की जो समस्याएं थी, बाजार कैसे बूम मारे। छत्तीसगढ़ एक नवगठित राज्य है, यहाँ पर विकास की अपार संभावना है। इस संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए आज सर्किट हाउस में एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख उद्योग संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने सबने अपनी राय अलग अलग तरीके से व्यक्त की। बीजापुर में भट्टीगुड़ा के पास